In 1905, Sir Albert Einstein explained the photoelectric effect on the basis of particle nature of light. सन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की थी प्रकाश के कण प्रकृति से। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लाइट के नेचर को लेकर लंबे समय तक एक बहस छिड़ी थी। तो हम लोग यहाँ पर लाइट के नेचर को लेकर यहाँ पे कोई डिस्कशन नहीं करेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस, हमारा जो मेन टॉपिक है दैट इज क्वांटम इफेक्ट। तो हम लोग लाइट की प्रकृति को हम पीछे रखते हैं, उसकी बात कभी और करेंगे। तो 1905 में जो हमारी कहानी जहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या की लाइट के पार्टिकल नेचर से। बाय यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एंड अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, लाइट या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जो जिसको हम वेव बोलते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें जो हैं, लाइट इज फाउंड इन द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बंडल्स। एनर्जी के, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल्स, छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में मिलता है। एंड दैट इच पैकेट, हर एक पैकेट को हम लोग क्वांटा कहते हैं या फोटोन कहते हैं। लाइट का जो एक पार्टिकल है दैट इज फोटोन और क्वांटा। एंड एनर्जी ऑफ इच फोटोन इज गिवन बाय ई इज इक्वल टू एच न्यू, वेयर एच इज प्लैंक्स कॉन्स्टेंट एंड न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ओके, तो जो हमारा लाइट है, जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में है। एंड एनर्जी ऑफ ईच पैकेट्स इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एच सी अपॉन लैम्डा, बिकॉज न्यू इज इक्वल टू सी अपॉन लैम्डा। एंड बाय यूजिंग द प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, प्लैंक्स के क्वांटम थ्योरी को यूज करके अल्बर्ट आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को एक्सप्लेन किया था। एंड नाउ इन 1916 उन्होंने ये भी बोला कि फोटोन का मोमेंटम भी होता है, फोटोन का मोमेंटम भी होता है, हालांकि ये मासलेस पार्टिकल है। आपको पता है फोटोन का जो रेस्ट मास है वो क्या है, जीरो है, रेस्ट मास इज जीरो। इसके बावजूद भी उसका मोमेंटम होता है। एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय फॉर्मूला, विच फॉर्मूला, सो दिस इज द एनर्जी ऑफ द फोटोन एंड द मोमेंट। तो यहां पे लिख देते हैं अपन एनर्जी, दिस इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। एंड व्हाट इज फोटोन, आई थिंक आपको क्लियर हो गया है। एंड 1916 में फोटोन मॉडल में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ये बोला अपने फोटोन के मॉडल में कि इसका मोमेंटम भी होता है। एंड मोमेंटम ऑफ द फोटोन इज गिवन बाय, क्या होता है मोमेंटम का फॉर्मूला, मोमेंटम विल बी पी इज इक्वल टू ई अपॉन सी, पी इज इक्वल टू ई अपॉन सी, पुट द वैल्यू ऑफ ई तो आपको मिल जाएगा दैट विल बी एच अपॉन लैम्डा। सो जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, जो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं एक्चुअली दे आर द स्ट्रीम धारा हैं। किसकी धाराएं हैं, इस फोटॉन्स की, बौछार है समझ लीजिए आप। तो कंसिस्ट ऑफ द पार्टिकल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट पार्टिकल्स एंड दैट पार्टिकल इज फोटॉन एंड द एनर्जी ऑफ फोटॉन इज दिस एंड मोमेंटम अकॉर्डिंग टू फोटोन मॉडल ऑफ अल्बर्ट आइंस्टीन और आइंस्टाइन एच अपॉन लैम्डा। एंड इसी को चेक करने के लिए कि क्या फोटोन का मोमेंटम होता है, क्या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं उनका पार्टिकल बिहेवियर भी है, यहां पे होता है सर ए एच कॉम्प्टन का एक एक्सपेरिमेंट, एंड दैट इज नोन एज कॉम्प्टन एक्सपेरिमेंट।
तो यहां पे देखिए, दिस इज द सेटअप ऑफ कॉम्प्टन एक्सपेरिमेंट। ये सेटअप है आपके सामने कॉम्प्टन एक्सपेरिमेंट का, एंड दीज आर द एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स। यस, अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, पल्ले भी हो सकता है नहीं पड़ रहा हो, लेकिन आप डेफिनेटली आप समझ जाएंगे। तो कॉम्प्टन और उनके जो कोलैबोरेटर्स थे, उनके जो साथी थे, उन्होंने 1922 के आसपास की बात है ये, क्योंकि 1923 में तो उन्होंने पूरा अपना एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट दे ही दिया था। तो 1923 से पहले की ये घटनाएं हैं। कॉम्प्टन इफेक्ट अभी हम लोग समझ जाएंगे, पहले हम लोग कॉम्प्टन के एक्सपेरिमेंट को समझते हैं। और ये है कॉम्प्टन के एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप। तो इसमें देखिए, यहां पर होता है, आई थिंक ये आगे भी होना चाहिए, एक बढ़िया सा स्लाइड, चलो ठीक है हम लोग पीछे से समझ लेते हैं। तो यहां पे होता है एक्सरे का सोर्स, दिस इज द सोर्स ऑफ एक्सरेज। ओके, यहां पे सोर्स है एक्सरे का, दैट आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एंड अकॉर्डिंग टू द फोटोन थ्योरी, दैट क्वांटम थ्योरी, वो किसको कंसिस्ट करता है, फोटोन को कंसिस्ट करता है। तो ये सोर्स हो जाएगा, दिस इज सोर्स, और यहां से जो एक्स रेस प्रोड्यूस होंगी उनको एक फाइन बीम में कन्वर्ट करने के लिए, फाइन बीम में कन्वर्ट करने के लिए यहां पे हमने यूज किया है, मींस उन्होंने यूज किया था कॉलिमेटिंग स्लिट्स, जो इसको एक फाइन बीम में कन्वर्ट कर देगा। और फिर हम लोग उस एक्सरे बीम को एक मेटल पे स्ट्राइक करवाते हैं, दैट इज यहां पे कार्बन हो सकता है वो मेटल जो है। एंड नॉट, देखो अब क्या हो रहा है, ये एक डिटेक्टर है, मूवेबल डिटेक्टर है, वी कैन मूव दिस डिटेक्टर टू ऑब्जर्व द स्कैटर्ड रेडिएशन। एंड आई थिंक, मुझे उम्मीद है कि यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग, क्या होता है स्कैटरिंग आपको पता होना चाहिए। तो यहां से ये जो डिटेक्टर है, ये डिटेक्ट करता है उन रेडिएशंस को जो यहां से क्या होते हैं, स्कैटर्ड होते हैं, स्कैटर्ड एक्सरेस को। तो एंड इट कैन रोटेट, हम लोग इसको रोटेट करके डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रेडिएशन को ऑब्जर्व कर सकते हैं। एंड नाउ दीज आर द एक्सपेरिमेंटल ग्राफ्स। ओके ओके, आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, when phi is equal to 0 degree, and what is the meaning of phi is equal to 0 degree, जब आपका डिटेक्टर एक्स रे के डायरेक्शन में ही है, then ध्यान देना यहां पे experiment, आप इसको पढ़ने वाले हो, सिर्फ किसी की आंखों को नहीं पढ़ना है, ग्राफ को भी पढ़ने आना चाहिए, ठीक है। बस किसी की आंखों में डूब जाना आसान है गालिब, ग्राफ पढ़ना मुश्किल है। पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। तो देखो, when phi is equal to 0 degree, When phi is equal to 0 degree, in that case, हमको यहाँ पर केवल एक पीक मिला है, एक चोची टाइप का, चोची जो एज है, एक यहाँ पर पीक मिला है। Later we will discuss on this one peak, but when theta is equal to 45 degree, when phi is equal to 45 degree, हमको यहाँ पर दो पीक्स मिले हैं, this is peaks and this is peaks. ओके, एंड नाउ ये थोड़ा सा ध्यान रखिए, ये वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच का एक ग्राफ है, वेवलेंथ और इंटेंसिटी के बीच का ग्राफ है ये, जो हमने यहां पे प्लॉट हुआ है यहां पर। तो एक्स एक्सिस पे वेवलेंथ है, वाई एक्सिस पे इंटेंसिटी है, एंड अलग अलग एंगल पे यहां पे ग्राफ आपको शो किया गया है। तो व्हेन फाई इज इक्वल टू 0 डिग्री, देयर इज ओनली वन पीक, and when phi is equal to 45 degree, there are two peaks, सब में टू पीक्स हैं। अब देखो क्या है इसका मतलब, when phi is equal to 45 degree, जब light का means x-ray का radiation 45 degree पे हुआ है, क्यों? क्योंकि आपका जो detector है इस केस में 45 degree पे है, तो आप उस direction में जो radiation scatter हो रहा है उसको observe कर रहे हो। तो क्या मिलता है आपको, दो पीक्स मिले हैं, और ये दो पीक क्या शो करते हैं, इसमें से एक पीक शो करता है इंसिडेंट एक्सरे को, एक्सरे का जो
जो इंसिडेंट एक्सरे है उसके वेवलेंथ को, और जो दूसरा जो सेकेंड पीक है वो शो कर रहा है स्कैटर्ड वेव को, स्कैटर्ड एक्सरे को। तो ये एक ओरिजिनल एक्सरे है और एक स्कैटरिंग से जो एक नया वेवलेंथ बना है उसका ये पीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है? पूरा ध्यान दीजिए, व्हेन फाई इज इक्वल टू 45 डिग्री हम लोग डिटेक्टर से वहां पर दो रेडिएशंस ऑब्जर्व कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दो रेडिएशंस, वन इज एक्सरे, इंसिडेंटल एक्सरे, ओरिजिनल एक्सरे, एंड सेकेंड वन इज द स्कैटर्ड एक्सरे जिसका कि वेवलेंथ थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके ओके, एंड नाउ व्हेन फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री, व्हेन फाई इज इक्वल टू 90 डिग्री जब ये आपका इधर कहीं पे होगा, जब यहां पे आप ऑब्जर्व कर रहे हो, इन दैट केस अगेन वी गॉट द टू पीक्स वन एंड वन, जिसमें कि एक क्या है, जिसमें से कि एक ओरिजिनल एक्सरे है और एक जो है स्कैटर्ड एक्सरे, स्कैटर्ड रेडिएशन है, स्कैटर्ड रेडिएशन है जो कि अलग वेवलेंथ है। अभी आप समझोगे, अब बस ग्राफ को समझो जरा। एंड अगेन ऑन एट फाइव इक्वल टू 135 डिग्री देयर आर अगेन टू पिक्स। तो इसमें से देखिए जो दो पिक दिख रहे हैं आपको, दो पिक, पिक ना एकदम जो एपेक्स है एक, तो इसमें से एक जो है वो ओरिजिनल एक्सरे का वेवलेंथ है, जिस वेवलेंथ का एक्सरे आपने इंसिडेंट करवाया है, एंड सेकेंड वन इज द स्कैटर्ड रेडिएशन, स्कैटर्ड रेडिएशन। और एक चीज आप ग्राफ से नोटिस कर पाओगे कि जैसे जैसे एंगल फाई इंक्रीज होता है, ये जो डेल लैम्डा है, डेल लैम्डा डिफरेंस बिटवीन दीज टू वेवलेंथ, वैसे वैसे डेल लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है, मैंने या कॉम्पटन ने अपने मन से नहीं प्लॉट किया इसको। ओके तो क्या हो रहा है, दिस इज सोर्स, दिस इज द आवर टारगेट, इस पे बम्बार्डिंग या फिर इंसिडेंट स्ट्राइक करवाना है, डिटेक्टर है डिटेक्ट करता है यहां से जो स्कैटर रेडिएशंस हैं, तो हमको उस डिटेक्टर में दो वेवलेंथ मिलते हैं, एक ओरिजिनल वाला और एक मॉडिफाइड। तो इसी को हम लोग यहां पे हमने इसको समराइज किया है, ध्यान दीजिए आप, समराइज किया है, कैसे समराइज किया है, व्हेन अ बीम ऑफ मोनोक्रोमैटिक एक्स रेस इज इंसिडेंट ऑन अ सब्सटेंस दैट इज कार्बन, एग्जांपल फॉर कार्बन, स्कैटरिंग रेडिएशन हैज टू कंपोनेंट्स, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, एंड आई थिंक आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्कैटरिंग, किसी भी सब्सटेंस पे जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट करती है तो उसके बाद वो मटेरियल और सब्सटेंस उसको डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शंस में रीइमिट करता है, दैट फिनोमिनन इज नोन एज स्कैटरिंग। ओके आपको पता है ना। तो चलिए, तो जो ये स्कैटरिंग रेडिएशन है, जो स्कैटर्ड रेडिएशन है, उसमें दो कंपोनेंट्स है, नंबर वन अनमॉडिफाइड रेडिएशन हुज वेवलेंथ्स आर सिमिलर टू इंसिडेंट रेडिएशन एंड विच आर ऑब्टेंड इन द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एंड नाउ नंबर टू मॉडिफाइड रेडिएशन हुज वेवलेंथ्स एक्सीड द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। ओके तो आपका जो स्कैटर्ड रेडिएशन है उसमें दो कंपोनेंट है, एक है मॉडिफाइड एक है अनमॉडिफाइड। दिस डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ इंक्रीजेस विथ इंक्रीजिंग स्कैटरिंग एंगल एंड डज नॉट डिपेंड ऑन द वेवलेंथ ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन, जो इंसिडेंट रेडिएशन है उस पर डिपेंड नहीं करता, एंड द नेचर ऑफ द एब्जॉर्बिंग मटेरियल, जो स्कैटरर है उस पर भी डिपेंड नहीं करता। दिस डिफरेंस इन वेवलेंथ इज कॉल्ड कॉम्पटन शिफ्ट, हम लोग मॉडिफाइड की बात कर रहे हैं, मॉडिफाइड रेडिएशन। ओके तो लैम्डा और लैम्डा समझ लो प्राइम, दो वेवलेंथ्स हैं, लैम्डा लैम्डा प्राइम, लैम्डा लैम्डा प्राइम, लैम्डा लैम्डा प्राइम, वन इज ओरिजिनल एंड वन इज मॉडिफाइड। तो दोनों का जो गैप है, दोनों का जो डिफरेंस है, दैट इज नोन एज कॉम्पटन शिफ्ट। और इसी कॉम्पटन शिफ्ट के लिए हमको एक फॉर्मूला डिराइव करना है। लेकिन अब हम लोग देखें, ये जो यहां पे स्कैटरिंग हो रही है उस एक्स रे की,
इसको हमारा क्लासिकल वेव थ्योरी, जो क्लासिकल हमारा वेव थ्योरी है, उसको कैसे एक्सप्लेन करना चाहता है। हालांकि वी नो, आपने पढ़ा ही होगा कि क्लासिकल वेव थ्योरी से इस क्वांटम इफेक्ट को आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते, ये आपको पता है। सो इन दिस लेक्चर आई विल एक्सप्लेन कि आप उस क्वांटम इफेक्ट को क्यों एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्लासिकल वेव थ्योरी से। ध्यान दीजिएगा, आप तो ध्यान दीजिए, बहुत ही ज्यादा ध्यान देना है, थोड़ा सा काम नहीं चलेगा। दिस इज द सोर्स ऑफ एक्सरे ऑफ इलेक्ट्रो और एनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करते हैं। एंड दिस इज द टारगेट अवर कार्बन टारगेट। मान लीजिए कि यहां से जो रेडिएशन इंसिडेंट हुआ है इस टारगेट पर, उसकी फ्रिक्वेंसी एफ है। चलो हम लोग न्यू ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, फ्रिक्वेंसी एफ हो या न्यू हो, तो दिस इज द फ्रिक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन। एंड नाउ ये किस पे जा रहा है, ये उस सब्सटेंस पर स्ट्राइक हो रहा है। एंड वी नो कि किसी भी सब्सटेंस में देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो हम लोग किसी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, किसी भी एक इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। तो जब यह रेडिएशन यहां पहुंचेगा तो ये चार्ज पार्टिकल एक इलेक्ट्रिक, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, या भी बोलिए इलेक्ट्रो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड में होगा, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एंड आपको पता है कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इज एक्चुअली द ऑक्सीलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, मैग्नेटिक फील्ड भी है। तो अब क्या होगा, जब ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर या के पास ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पहुंचेगा, तो ये चार्ज पार्टिकल भी इसी फ्रीक्वेंसी से क्या करेगा, ऑक्सीलेट होगा। बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझा रहा हूं। समझ लीजिए तालाब है, तालाब कोई भी तालाब, तालाब हो सकता है, पॉन्ड है, और मैंने यहां पे एक पत्थर मारा, तो यहां से वेव प्रोड्यूस होगा, ये वेव आगे बढ़ेगा। और मान लीजिए कि यहां पे कोई पार्टिकल था, यहां पे कोई पार्टिकल था, तो जब ये यहां पे वेव पहुंचेगा तो क्या ये पार्टिकल, हो सकता है कोई बॉटल हो, कोई भी कुछ भी हो, समझ लीजिए आप, तो क्या ये उसी फ्रीक्वेंसी से ऊपर नीचे नहीं होगा जो फ्रीक्वेंसी वेव की है? बिल्कुल होगा। तो यही चीज यहां भी होगा, यही चीज यहां भी होगा। ध्यान दीजिए, जब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहां पहुंचता है तो ये चार्ज पार्टिकल जो कि इलेक्ट्रॉन है स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी, स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी। हम लोग क्लासिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, ओके, स्टार्ट्स ऑक्सीलेटिंग विद द सेम फ्रीक्वेंसी। एंड नाउ अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल्स थ्योरी, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल ऑक्सीलेट होता है तो इमिट करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो यहां पर जब एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इंसिडेंट हो रहा है तो ये ऑक्सीलेट होगा, और ये उसी फ्रीक्वेंसी का क्या करना चाहिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना चाहिए। दैट्स फाइन, यही तो है। यू नो ना कि किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या है, एक एक्सेलरेटिंग चार्ज। एंड वी नो कोई भी ऑक्सीलेटिंग चार्ज क्या होता है, एक एक्सेलरेटिंग चार्ज होता है। एक दोलायमान जो आवेश है, एक त्वरित आवेश होता है, और त्वरित आवेश से ही विद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न होती हैं, और विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति क्या होगी, इस कर्ण के दोलन की जो आवृत्ति है उसके बराबर ही होती है। अब क्या हो रहा है कि ये इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की आवृत्ति से दोलन कर रहा है, यानी इसकी आवृत्ति भी क्या होगी, इसके बराबर होनी चाहिए, मस्ट बी सेम, दिस फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू दिस फ्रीक्वेंसी, ओके। बट यहां पे अभी लास्ट वीडियो में हमने, अभी नहीं लास्ट वीडियो में हमने डॉपलर इफेक्ट को पढ़ा है। एंड वी नो अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर, लेकिन यहां पे ऑब्जर्वर नहीं है, समझ लो इलेक्ट्रॉन ही ऑब्जर्वर है। तो जब भी रिलेटिव मोशन होता है तो फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाती है, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगी। अब दिमाग लगाओ, फ्रीक्वेंसी में चेंज हो जाएगी, और हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं। किसी भी सब्सटेंस में जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कंटिन्यूअस मोशन में होते हैं, तो आ तो रही है न्यू फ्रीक्वेंसी या एफ फ्रीक्वेंसी, लेकिन ड्यू टू द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स वो फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। तो एक इलेक्ट्रॉन को जो फ्रीक्वेंसी मिलेगा वो अलग फ्रीक्वेंसी होगा इस वेव से।
तो ये जो वेव इमिट करेगा एक इलेक्ट्रॉन, वो अलग फ्रीक्वेंसी का वेव इमिट करेगा। ध्यान दो मैं क्या बोल रहा हूं। पहले मैंने बोला कि अगर रेस्ट में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है तो उसी फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीडेट होगा और फिर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करना चाहिए। ओके, अब हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहां पर डॉपलर इफेक्ट भी आ जाएगा। कैसे? मोशन में है, और जब मोशन होता है सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच में, यहां पे समझ लो कि इलेक्ट्रॉन ही ऑब्जर्वर है, तो उससे क्या होगा, ये फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी इसके लिए। तो जब इसके पास वो फ्रीक्वेंसी पहुंचेगी तो दैट विल बी द चेंज्ड फ्रीक्वेंसी। तो ये चेंज्ड फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीडेट होगा, जिस फ्रीक्वेंसी से ऑक्सीडेट होगा उस फ्रीक्वेंसी का ये रेडिएशन इमिट करेगा। और किसी भी सब्सटेंस में एक ही तो इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, देयर आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, देयर आर अ लॉट्स ऑफ नंबर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री होते हैं, और सबका चाल अलग अलग है। तो सबके लिए फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबके लिए फ्रीक्वेंसी अलग अलग होगी। आठ एक रहा है, लेकिन ड्यू टू डॉपलर इफेक्ट सबकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सबको अलग अलग फ्रीक्वेंसी मिलेगी। इस कारण से क्या करेंगे, सब अलग अलग, ओहो ओहो, सब क्या करेंगे, अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशंस इमिट करेंगे। सब अलग अलग फ्रीक्वेंसी के रेडिएशन इमिट करेंगे। तो यहां पर आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, एक आवृत्तियों का एक समूह मिल जाएगा, समझ लीजिए। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा, एक्सपेरिमेंट में साफ साफ दिख रहा है कि ऐसा नहीं हो रहा। ऐसे में बहुत सारी पिक्स मिलनी चाहिए थी, बहुत सारी फ्रीक्वेंसी तो बहुत सारा वेवलेंथ, तो बहुत सारे पिक्स मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। तो क्यों नहीं हो पा रहा, ये नहीं समझा पा रहा है, क्लासिकल एक्सप्लेनेशन नहीं है इसका। तो अब आते हैं हमारे क्वांटम साहब। क्वांटम जी बोलते हैं, यार ये ऐसे नहीं सुलझेगा, ये गुत्थी ऐसे नहीं सुलझेगी। क्वांटम ने इस ये जो यहां पे इंसिडेंट घट रहा है उसको एक्सप्लेन किया है बाय क्वांटम थ्योरी। उन्होंने ये माना कि जो एक्स रेस आ रहा है एक्चुअली में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो है, लेकिन दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कंसिस्ट ऑफ फोटॉन्स, पार्टिकल आ रहा है, पार्टिकल आ रहा है। ओके, एंड अब जरा ध्यान दीजिएगा कैसे एक्सप्लेन किया, मैं समझाऊंगा आपको। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल, ओहो इसको देखो, इसको देखो, फिर थोड़ा चीजें क्लियर। ओहो नीचे नहीं जाना दी आपको। चलिए एनिमेशन देखिए, फिर कुछ बनने को बचे, कहने को बचेगा ही नहीं कुछ। उन्होंने बोला कि जो वेव आ रहा है ना वो फोटोन के फॉर्म में आ रहा, फोटोन मींस E इज इक्वल टू एच न्यू एनर्जी लाता हुआ एक एक कण है, एक पार्टिकल है। और ये जब फोटोन यहां पे आता है तो ये कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन को, जो कि एक पार्टिकल है। यानी कि यहां पे पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में कॉलिजन हो रहा है, पार्टिकल और पार्टिकल के बीच में क्या हो रहा है, कॉलिजन हो रहा। अच्छा, उस फोटोन के पास एनर्जी भी है, उस फोटोन के पास मोमेंटम भी है, मोमेंटम इज एच अपॉन लैम्डा एंड एनर्जी इज एस न्यू सी अपॉन लैम्डा। तो ये मोमेंटम है उस फोटोन का, इंसिडेंट फोटोन का, अकॉर्डिंग टू क्वांटम। अगर वो इस फिनोमिनन को, इस घटना को एक्सप्लेन कर रहे हैं क्वांटम थ्योरी से, और ये एनर्जी और ये फोटोन, तो उनका कहना ये है कि जो एक्सरे है ना फोटोन के फॉर्म में आता है, और एक फोटोन का एक इलेक्ट्रॉन के साथ टक्कर होता है, कॉलिजन होता है। और इस टक्कर में क्या होगा, फोटोन अपनी कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा, फोटोन अपनी कुछ एनर्जी, जैसे कि चलो आप गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, जाके कहीं ठोका गए किसी एक एक साइकिल जो विराम में थी, जो रेस्ट में थी, उसे जाके ठोका गए, तो क्या होगा, साइकिल भी थोड़ा सा फेंकाएगा ना, देखा नहीं क्या मूवी हुई, नहीं देखते क्या, फेंकाएगा, क्या हुआ, आपका कुछ जो एनर्जी था किसको मिला, वो साइकिल को मिला, आप मतलब आपकी गाड़ी जो है तो उसकी एनर्जी किसको मिली, साइकिल को मिली। तो यहां पे एनर्जी का क्या हो रहा है, थोड़ा सा ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी और मोमेंटम का भी ट्रांसफर हो रहा है। तो जिससे क्या होगा, एनर्जी तो कंजर्व्ड है, एनर्जी तो कंजर्व्ड है, एनर्जी तो कुल ऊर्जा तो संरक्षित है। तो जब ये फोटोन अपनी ऊर्जा, कुछ ऊर्जा उस इलेक्ट्रॉन को देगा कि बेटा चलो तुम यहां से फूटो, देखो इलेक्ट्रॉन फूट रहा है, ये रिक्वायर्ड, अच्छा मैं बता दूं, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे, जो वहां से फ्री हुआ है, जो वहां से बाहर निकला है, और ये आपका स्कैटर्ड फोटोन है, स्कैटर्ड फोटोन है।
तो ऑटोमेटिकली देखिए क्या होगा, जब फोटोन अपनी एनर्जी उस इलेक्ट्रॉन को देगा तो फोटोन की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और फोटोन की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, फोटोन की एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी तो उसका वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा। तो बहुत ही, और ये केवल एक क्या बोले काल्पनिक कथा नहीं है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को सेटिस्फाइड करता है, ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए अब ध्यान से, अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने आधी बारी जीत ली है, अब ये देखिए, ये है क्वांटम का, सॉरी कॉम्पटन का एक्सप्लेनेशन, ये है कॉम्पटन एक्सप्लेनेशन। क्या होता है, अकॉर्डिंग टू कॉम्पटन, ये जो फोटोन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहा है, एक्चुअली में वो किसके फॉर्म में आ रहा, फोटोन जो आ रहा है, फोटोन एक पार्टिकल है, और ये पार्टिकल जाके उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा जो कि रेस्ट में है, और जब उस इलेक्ट्रॉन से कोलाइड होगा तो अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को देगा कि बेटा चलो यहां से जाओ, अब निकलो यहां से, और जिसकी वजह से इसकी एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी, और क्योंकि एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी इसलिए वेवलेंथ इंक्रीज हो जाएगा। हमको ये निकालना है, ये निकालना है, क्वांटम शिफ्ट का डेरिवेशन निकालना है, लैम्डा डैश माइनस लैम्डा एच अपॉन एम सी 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां पे एम नॉट बोल सकते हो आप, क्योंकि एम नॉट क्या है, रेस्ट मास है उस इलेक्ट्रॉन का, एम नॉट, अगर आप एम नॉट लेना चाहते हो तो आप एम नॉट ले सकते हो, एम नॉट होगा रेस्ट मास उस इलेक्ट्रॉन का। तो चलिए 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 हम लोग जरा अब डेरिवेशन अपने करते हैं। सो ये एक डायग्राम है, एक सिस्टमेटिक डायग्राम, ये इंसिडेंट फोटोन है जो कि जाके उस टारगेट इलेक्ट्रॉन जो कि रेस्ट में उसे टकराता है, और ये है आपका रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन। लेकिन हमने पिछले डायग्राम में उसे नीचे दिखा दिया था, उससे फर्क नहीं पड़ता, फाई एंगल पे गया है रिक्वायर्ड इलेक्ट्रॉन, फाई इलेक्ट्रॉन पे है, और जो स्कैटर्ड फोटोन है वो थीटा एंगल पे है, और हम लोग को ये डिराइव करना है, जो हम लोग कर लेंगे, बखूबी कर लेंगे। ओके तो चलिए देखो कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, देखो बहुत ही आसानी से करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे हम लोग, अभी इनिशियली और फाइनल लगाएंगे। हमारे पास दो कंडीशंस हैं, सिंपली ये कॉलिजन है, ये कॉलिजन बिटवीन पार्टिकल्स एंड पार्टिकल, एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच का कॉलिजन है, और ये इलास्टिक कॉलिजन है, शायद मैं बताना भूल गया, ये इलास्टिक कॉलिजन होगा जहां पर एनर्जी एंड मोमेंटम बोथ विल बी कंजर्व्ड, और संवेग और ऊर्जा दोनों संरक्षित रहते हैं। तो हमको बस वही लगाना है कि संघट से पहले, कॉलिजन से पहले का एनर्जी कितना है, कॉलिजन के बाद का एनर्जी कितना है, कॉलिजन से पहले का मोमेंटम कितना है, कॉलिजन के बाद का मोमेंटम कितना है। तो हम लोग वही कंडीशन लेके चलेंगे, बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर एंड आफ्टर कॉलिजन लिखते हैं। तो यहां पर लिखते हैं बिफोर, बिफोर मीन्स बिफोर, बिफोर कॉलिजन, बिफोर, ओके, बिफोर मीन्स बिफोर कॉलिजन ही है, ओके। सो बिफोर कॉलिजन द एनर्जी ऑफ फोटोन, द एनर्जी ऑफ फोटोन इज गिवन बाई, कैसे दोगे आप, दिस इज गिवन बाई एच सी अपॉन लैम्डा और एच न्यू, बट एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी क्या होगा, इसको क्या लिखना पड़ेगा पूरा, मेरे को क्या पूरा लिखना पड़ेगा, तो पूरा लिख देते हैं यहां, पूरा लिख देते हैं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए यार। तो बिफोर कॉलिजन, चलो ठीक है, बिफोर कॉलिजन, बिफोर कॉलिजन एनर्जी ऑफ फोटोन, एनर्जी ऑफ फोटोन ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, अभी तो रेस्ट में है, एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर। एंड आफ्टर कॉलिजन, आफ्टर कॉलिजन क्या होगा, आफ्टर कॉलिजन एन, मोमेंटम की तो बात ही नहीं की, मोमेंटम की तो बात ही नहीं कर पाया, क्या होगा मोमेंटम जी, मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन इज इक्वल टू हो जाता है, फॉर्मूला था फोटोन का एच बाई लैम्डा, फोटोन के लिए मोमेंटम का फॉर्मूला, एंड व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन,
मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट विल बी कितना, दैट विल बी जीरो, क्योंकि वो रेस्ट में है, कोलिजन से पहले वो रेस्ट में है। तो देखिए इतनी सारी चीजें हैं, इतनी सारी चीजें यहां पे बता दी गई हैं आपको। ये है बिफोर कोलिजन, अभी ये अभी बिफोर कोलिजन है, ये क्या है, ये बिफोर कोलिजन है, और अब हम लोग आएंगे आफ्टर कोलिजन में। थोड़ा संभल के लिखना पड़ेगा मुझे, आफ्टर कोलिजन, AFTER, आफ्टर कोलिजन व्हाट विल बी द एनर्जी, एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, एनर्जी ऑफ फोटोन, ध्यान देंगे आप, प्रोटॉन की एनर्जी डिक्रीज हुई है, लेकिन एच और सी टू कॉन्स्टेंट है, तो क्या इंक्रीज हुआ है, वेवलेंथ इंक्रीज हुआ है यार, कितनी आसानी से एक्सप्लेन हो रहा है, सपोज दिस इज लैम्डा टेस्ट, ओके। एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, व्हाट विल बी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी कितनी हो जाएगी, ये सपोज कि ये ईईई है आफ्टर द कोलिजन, जब वो मोशन में आ गया है, और ये रिलेशन आपको याद है क्या, रूट ओवर पी स्क्वेयर सी, सॉरी ढंग से लिखता हूं, पी स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी टू द पावर 4, और ये मोमेंटम हो जाएगा इलेक्ट्रॉन के लिए, अगर आप पी ई लिख रहे हो तो ये हो जाएगा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये रिलेशन आप पहले ही पढ़ चुके हो रिलेटिविस्टिक काइनेटिक एनर्जी में। सो रूट ओवर पी ई स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी टू द पावर 4, एंड नॉ एक चीज और लिखना है, मोमेंटम लिखना है, तो मोमेंटम, ठीक है, मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, तो मोमेंटम व्हाइट से व्हाइट पे लिख रहा हूं, मोमेंटम कितना हो जाएगा बताइए, मोमेंटम, मोमेंटम इज इक्वल टू कितना, क्या चेंज हुआ है, ये चेंज हो गया है, तो ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा प्राइम, एच अपॉन लैम्डा प्राइम, एंड मोमेंटम ऑफ, सॉरी मोमेंटम ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन, एंड व्हाट विल बी द मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये सब आफ्टर कोलिजन है दोस्त, भाई मेरे बंधु, इसको हमने पीई लिया है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं होना चाहिए दोस्त, नहीं होना चाहिए। तो चलिए, और अभी जो हमने मोमेंटम ऑफ फोटोन लिखा है इस डायरेक्शन में, फोटोन इधर है इस डायरेक्शन में, और जो मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा है उस डायरेक्शन में ही है, उनके मोशन के डायरेक्शन में ही लिखा है, अभी हमने कंजर्वेशन नहीं लगाया, सर वहां पे कॉस फाई लगा देते अभी जरूरत नहीं थी। नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ओके, टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगी, टोटल मोमेंटम भी कंजर्व रहेगा, क्यों, क्योंकि यहां पे जो कोलिजन होता है वो इलास्टिक कोलिजन है। तो चलिए अब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाते हैं, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो एक स्केलर क्वांटिटी है, तो उसको कोई मतलब नहीं है कि किस डायरेक्शन की बात हो रही है, मोमेंट, सॉरी एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू एनर्जी आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन एनर्जी इज एस यू अपॉन लैम्डा एंड ऑल्सो एच वन, सॉरी एम नॉट सी स्क्वायर, एम नॉट सी स्क्वायर क्या हो जाएगा, एच सी अपॉन लैम्डा प्लस एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बिफोर कोलिजन टोटल एनर्जी है, एच सी ऑफ लैम्डा एंड एम नॉट सी स्क्वायर ये बिफोर कोलिजन है, एंड आफ्टर कोलिजन द एनर्जी इज एस सी अपॉन लैम्डा प्राइम, एस सी अपॉन लैम्डा प्राइम प्लस ये जो ई ई है जिसकी वैल्यू कितनी है, पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी टू पावर 4, ओके। और इसको हम लोग थोड़ा सा पहले ही सॉल्व कर लेते हैं, बाद में तो करना ही है तो पहले ही कर लेते हैं, इसको इधर लेके आइए, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा, और अब ज़्यादा कदम फूंक फूंक के रखना, कैलकुलेशन चाहे माइनस का प्लस हुआ तो गए, फिर एच सी अपॉन लैम्डा प्राइम
इसको एक डब्बा में ही रखो, प्लस एम नॉट सी स्क्वेयर, और इधर बच गया है पी ई का स्क्वेयर सी स्क्वेयर प्लस एम नॉट स्क्वेयर सी फोर, डोंट वरी यहाँ पे ये है। अब मैं इसको वर्ग यानी कि इसका स्क्वायर करने वाला हूँ, दोनों ही पक्षों का, दोनों ही साइड में स्क्वायर करूँगा, तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा प्राइम का होल स्क्वायर प्लस ये तो पूरा होल होगा ना, सॉरी ये पूरा होल होगा। तो अभी इसको एक साथ रखने के बाद हम लोग यहाँ पहुँचे हैं प्लस एम नॉट सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्लियर है ये, और ये हो जाएगा पी ई स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस एम नॉट स्क्वायर सी फोर, डन। इसको पूरा ए मानिए, इसको पूरा बी मानिए, तो ये हो जाएगा एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा प्राइम का स्क्वायर, दिस इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम नॉट स्क्वायर सी फोर, दिस इज बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, टू मीन्स टू, और ये ए है एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा प्राइम। ए एंड बी क्या है, बी है एम नॉट सी स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या मिला मेरे को p इलेक्ट्रॉन का स्क्वायर, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन c स्क्वायर प्लस m नॉट स्क्वायर c फोर, एंड क्या कैंसिल होगा यहां से, कुछ कुछ तो कटेगा ना, ये इसे कट गया, ओके कट हो गया, लेकिन अभी और जंग बची हुई है, जंग अभी और भी है, जंगें अभी और भी लड़नी है बहुत सारी। अभी तो हम एनर्जी में ही है, अभी तो हम लोग एनर्जी में है, चलिए आगे बढ़े। ये हमने यहाँ पे उसको छाप लिया है और अब यहाँ से हमको कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा, ये 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 और ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल गई है किसकी, पी ई की, या पी ई के स्क्वायर की वैल्यू मिल गई है। तो इसको हम लोग दोबारा लिख लेते हैं एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्राइम स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा प्राइम प्लस टू एच सी एम नॉट डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा प्राइम, दिस इज पी ई स्क्वायर। एंड नाउ सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन, मान लो कि इक्वेशन नंबर वन है, अभी हम लोग वन में ही है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन, एंड नाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। अब हम लोग मोमेंटम के कंजर्वेशन की बात करेंगे, ये डायग्राम देख लीजिए आप। सो मोमेंटम इज अ वेक्टर क्वांटिटी, सो इट कैन बी रिजॉल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। मोमेंटम कितना है, इसका मोमेंटम हमने लिया है कितना, एच अपॉन लैम्डा प्राइम, और इसका मोमेंटम हमने पी ई लिया है, सॉरी देखो मैं इलेक्ट्रॉन के जगह उसको लिख रहा हूँ, इसका मोमेंटम हमने लिया है एच अपॉन लैम्डा प्राइम, इसका मोमेंटम हमने पी ई लिया है। रिजॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा पी ई कॉस फाई अलोंग द एक्स डायरेक्शन, और इसका आ जाएगा एच अपॉन लैम्डा प्राइम कॉस थीटा, एक इधर मिलेगा एक इधर मिलेगा, ये होगा एच अपॉन लैम्डा प्राइम साइन थीटा, और ये ऊपर की तरफ मिलेगा पी ई साइन फाई। हमने रिजॉल्व कर दिया मोमेंटम को, और अब हम लोग अच्छा इधर जो फोटोन आ रहा है इसका मोमेंटम एच अपॉन ओनली लैम्डा है, इसका मोमेंटम कितना है एच अपॉन लैम्डा है। तो अब हम लोग मोमेंटम के कंजर्वेशन के लॉ पे चलते हैं, तो मोमेंटम को हम लोग एक्स डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे फिर वाई डायरेक्शन में कंजर्व करेंगे। तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा, यही मोमेंटम है अभी फिलहाल, तो ये बिफोर का ओरिजिनल मोमेंटम एच अपॉन लैम्डा है। आफ्टर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा प्राइम पी ई एच अपॉन लैम्डा प्राइम कॉस थीटा भी तो है कॉस थीटा प्लस पी ई कॉस फाई, ओके दिस इज
बिफोर कॉलिजन एंड दिस इज आफ्टर कॉलिजन मोमेंटम अलोंग एक्स, अलोंग एक्स एंड नॉट अलोंग वाई। मोमेंटम जीरो है, वाई डायरेक्शन में कॉलिजन से पहले कोई मोमेंटम नहीं है। आफ्टर कॉलिजन ये हो जाएगा आपका एच अपॉन लैम्डा प्राइम साइन थीटा माइनस, अपोजिट डायरेक्शन में है पी ई साइन फाई। तो ये लिख देता हूं अलोंग एक्स और ये है अलोंग वाई, डन। और अब हमको यहां से फाई को इलिमिनेट करना है, तो हम लोग दोनों को वर्ग करके जोड़ देंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। लेकिन 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 इसको थोड़ा सा पहले इधर ले आइए, तो ये हो जाएगा एच अपॉन लैम्डा प्राइम साइन थीटा इज इक्वल टू पी ई साइन फाई, और इसको भी आपको इधर ले आना है तब तो इलिमिनेट होगा। तो मैं इसको यहीं पे थोड़ा सा एडजस्ट करने की कोशिश करता है, ओके यहीं पे मैं एडजस्ट करूंगा इसको, आप चिंता ना करो मैं एडजस्ट कर लेगा। ओके तो क्या हो जाएगा ये एच अपॉन लैम्डा माइनस एच अपॉन लैम्डा प्राइम कॉस थीटा इज इक्वल टू पी ई कॉस फाई, अलोंग एक्स है ये अलोंग वाई है। और अब मान लो ये इक्वेशन कोई नंबर है, जो भी आप नंबर देना चाहो दे सकते हो, दोनों को ही मैं ब्लू नहीं करूंगा, ये ले लेता हूं मैं इसको और इसको स्क्वायर करके ऐड कर दो, इसको और इसको अगर आप स्क्वायर करके ऐड करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, ये हो जाएगा एच बाई लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा प्राइम का कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ओके स्क्वायर करके ऐड करना है, स्क्वायर करके ऐड करना है, तो ये हो जाएगा एच बाई लैम्डा माइनस एच बाई लैम्डा प्राइम कॉस थीटा का होल स्क्वायर। ये अभी हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में है, और इसका क्या हो जाएगा h अपॉन लैम्डा प्राइम साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस h अपॉन लैम्डा प्राइम साइन थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर क्या है, इधर का सीन तो साफ है, इधर का सीन साफ है, देखिए PE साइन कॉस PE स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस PE स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, यहां से कॉमन निकाल लो पीई स्क्वायर को, साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा दूर में लिख रहा हूं क्योंकि इधर बहुत सारे कैलकुलेशन है मेरे पास। पीई स्क्वायर नौ, अगर आपको इसके कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं है तो आप आगे बढ़िए, और अगर नहीं है तो मेरे साथ रहिए, कैलकुलेशन में दिक्कत है तो मेरे साथ रहिए। यहां लगेगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एच बाई लैम्डा ऐसा प्लस एच स्क्वायर लैम्डा बार का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस टू ए बी, सॉरी प्लस नहीं जी माइनस, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं दोस्त, क्या करोगे, माइनस टू एच बाई लैम्डा प्राइम कॉस थीटा प्लस, इसका भी वही होगा, इसका भी वही अंजाम होना है, प्राइम का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके चलो ठीक है, यहां पे देखिए एच स्क्वायर लैम्डा प्राइम का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, एच स्क्वायर लैम्डा प्राइम स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो कॉमन वन निकाल लोगे तो आपको मिल जाएगा एच स्क्वायर ये प्लस ये अपॉन ये, क्योंकि ये तो वन हो गया, माइनस टू एच स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम कॉस थीटा इज इक्वल टू पी ई का स्क्वायर। एंड दिस इज सपोज, कोई भी क्वेश्चन नंबर हमने दिया ही नहीं है अभी तक, हम देंगे भी नहीं, चलो लेकिन देना पड़ेगा, अब वक्त आ गया है। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर वन एंड सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर टू, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, तो लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल करना है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड को भी इक्वल करना है, तो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं, यहीं से मैं स्टार्ट करूंगा। देखिए यहां पे एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्राइम का स्क्वायर माइनस टू एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा लैम्डा प्राइम
कॉस थीटा इज इक्वल टू, किसका इक्वल होगा ये, इसका इक्वल होगा एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अपॉन लैम्डा प्राइम का स्क्वायर प्लस, कि माइनस है पता नहीं, माइनस है 2h स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम, माइनस है ये, माइनस है माइनस 2h स्क्वायर 2h स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम 2h स्क्वायर लैम्डा लैम्डा प्राइम, और यहां पे एक बहुत बड़ा सा क्वांटिटी 2hcm नॉट प्लस 2hcm नॉट डेल लैम्डा अपॉन लैम्डा लैम्डा प्राइम, क्या ये क्लियर है, कहीं भी गलती निकलना नहीं तो फंस जाओगे दोस्त, 2hcm नॉट लैम्डा, ओके ये ठीक है अब कटेगा। अब हम आधी बाजी क्या पूरी बाजी हमने जीत ली है, ये देखे कितना आसान हो गया, अब कहां बच गया, इधर तीन टर्म्स बच गए हैं बस, तीन टर्म्स में भी क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, देखे दोस्त निपटा दिया ना एकदम फटाक से, यहां पे आ गया माइनस टू एच स्क्वायर कॉस थीटा माइनस टू एच स्क्वायर, ओके इसके साथ कुछ है तो नहीं है, माइनस टू एच स्क्वायर प्लस टू एच सी एम नॉट डेल लैम्डा, एंड नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल लैम्डा, आपको ये डेल लैम्डा ही निकालना है, यही अंतर है तरंग दैर्ध्य में, तो क्या करेंगे हम लोग, इसको इधर ले आइए, प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर प्लस 2h स्क्वायर cos थीटा, यहां पे माइनस है लेकिन फ्लो में गलती नहीं करना, यहां माइनस है देख लो, यहां पे माइनस है माइनस 2h स्क्वायर cos थीटा, इधर जाके प्लस हुआ तो 2h स्क्वायर, और इधर बचा हुआ है 2hcm नॉट डेल लैम्डा, ओके एच एच कैंसल होगा, कैंसिल कर दें, समझ आते हो ना इसका मतलब, एक एच एक एच दो दो दो, यहां से कॉमन आ जाएगा एच, यहां से एच कॉमन आ गया तो ये वन माइनस एच कॉस थीटा, सॉरी यार तो कॉमन आ चुका है कॉस थीटा, आता हुआ दिख रहा है रिजल्ट, और ये हो जाएगा सी एम नॉट डेल लैम्डा, सो डेल लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट सी वन माइनस कॉट थीटा, एंड दिस इज कॉम्प्टन शिफ्ट, ओके और याद रखिए कि कॉम्प्टन शिफ्ट फिजिक्स के टाइम लाइन में बहुत बड़ा इवेंट है, एक बहुत बड़ी घटना है, क्योंकि इसके बाद से ये तो मान लिया गया कि यार जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है वो पार्टिकल नेचर भी शो करता है, ठीक है, तो चलिए आई होप कि आपने एंजॉय किया होगा, हम लोग मिलेंगे अब अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।